गुड मॉर्निंग, आइए मैं अब आपको अपने घर का मंदिर के दर्शन कराता हूँ। ये मेरे घर का मंदिर है। ये देवी माँ का मंदिर है। मैया के मंदिर, मैया के दर्शन करो। ये भी हरेले में हजारा चढ़ाया जाएगा, तो हमने कहा साफ सफाई करके इसके आपको भी दर्शन करा दे, हम भी दर्शन कर लें। उसके बाद ये देवी माँ का मंदिर, भूमिया राजा का मंदिर हमारे, ये है देखिए, ये भूमिया देवता का मंदिर। उसके बाद ये हमारे गोलू रघुनाथ जी का मंदिर है, वह भी पूजा करते हैं, फिर पूजा करते हैं आपको दिखाते हैं। पूजा होगी, हरेला चलेगा, अभी पूजा पाठ का कार्यक्रम थोड़ी देर बाद आपको दिखाते हैं। ये देखो हरेला काटते हुए हमारे बाबूजी हरेला कट रहा है। ये हरेला काटा गया है, मंदिर में चढ़ाया जाएगा। ये कटा हरेला, ये देखो हरेला चढ़ने के लिए आ गया मंदिर में। भास्कर शर्मा हरेला लेके आ रहे हैं, ये लाओ आ जाओ। ये देवी के मंदिर में इन्होंने हरेला रखा, अभी हरेला चढ़ाते हुए फिर दिखाता हूँ। धुनी धुनी भी जला दी हमने, ये देखो धुनी जल गई। ये देखिए आप, अब हमारे भगवानों को जो हमने प्रसाद बनाया है उसका भोग लगाया जा रहा है हमारे मामा जी द्वारा। देखिए दृश्य वैसे दिखाई नहीं जाती माता रानी। देखिए बहुत बढ़िया तरीके से भोग लगाया जा रहा है, बढ़िया। तब तक हम आपको कुछ और दिखाते हैं। यहाँ देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए फल, देखिए आप पेड़ों में फल देखिए कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पर पेड़ों में। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे कितना बढ़िया फल यहाँ पर लगा हुआ है पेड़ों में। ये देखिए पूरे इस बार सेब की खेती काफ़ी अच्छी हुई है यहाँ पर, आप देखिए पूरा हरा भरा हो रहा है। और इस हरे भरे स्वर्ग के बीच में ये घर, यहाँ देखिए सामने पहाड़ों का मनमोहक दृश्य, और ये देखिए कितना बढ़िया नज़ारा है। इस नज़ारे को देखने के लिए लोग लाखों रुपया खर्च करके विदेश जाते हैं, बल्कि हमारे ही देश में ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर इतना सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। ये देखिए ओम नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः। जयंती काली भद्रकाली कपालिनी माता शिवा सती माता शिव महारुद्राणी तुम्हारी नमस्तस्य नमो नमः। पुष्पम समर्व्यामि नमो नमः, पुष्पम समर्व्यामि नमो नमः, पुष्पम नैवेद्यं समर्व्यामि नमो नमः, समर्व्यामि नमो नमः। ये देखिए हमारी आरती स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर, कितनी बढ़िया तरीके से आरती की जा रही है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। सिंदूर विराजत को जल से दो नैना को Oh
अब देवी के मंदिर के बाद यहाँ भूमिया जी के मंदिर की आरती की जाएगी। यहाँ पर देखिए भूमिया जी के मंदिर की आरती हो रही है। आप भी इस दृश्य का आनंद लीजिए। आप जहाँ भी जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं वहाँ से आप दर्शन कीजिए। ये देखिए ये हमारे गोल जी और गंगनाथ जी का मंदिर है, यहाँ पर भी आरती की जा रही है मंदिरों में। ये देखिए क्या बढ़िया तरीके से। ये देखिए अब हरेला पूजन का कार्य स्टार्ट हो गया है। हमारे नाना जी द्वारा हरेला पूजा जा रहा है, सबसे पहले हमारे बड़े मामा जी को। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पर, ये देखिए कितने तरीके से यहाँ हरेला को पूजा जा रहा है। देखिए आप भी देखिए, आप भी देखिए कुमाऊं की इस नीति, इस रीति को कैसे देखिए हरेला पूजा जाता है। ये देखिए, ये देखिए भूमि पूजेंगे ना, बैठ आजा। ये देखिए इनको बढ़िया तरीके से देखिए, ये देखिए आजा यहाँ बैठ, यहाँ पर बैठ। ये हमारे अब दूसरे मामा जी आ गए हैं, आजा यहाँ बैठ बैठ। ये देखिए क्या होगा, देखिए भजन तेज रख। ये देखिए पहले टीका लगाया जा रहा है, फिर इसके बाद हरेला पूजा जाएगा। परिवार के हर सदस्य को ये हरेला पूजा जाता है। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से, ये देखिए ये अब इसके बाल ऊपर को कर दो, इसकी तरफ बाल ऊपर को कर, वहां बैठ के बनाओ, बैठ के बना, ये हमारे घर की सबसे छोटी सदस्य देखिए, हमारे पीढ़ी की सबसे छोटी देखिए, सबसे छोटी सबसे प्यारी कम्मू, इसका प्यार से इसका नाम कम्मू है। ये हमारी नानी जी है, ये देखिए इतने बढ़िया तरीके से इस बच्चे ने, इतने बढ़िया तरीके से हरेला पूज रही है। अरे मम्मी के लिए बुला, मम्मी कहाँ गई, दांत पीर सब दूर कर को, मम्मी को बुला, ला मेरे भी लेके, ये छापा ये कंधे भी है देवी, ले ए मेरा हाथ है, ये देखिए हाल लगा, यहाँ दे, यहाँ फोटो यहाँ दे, यहाँ तो फोटो खींचा देखो, ठीक है। हमारी नानी जी भी आ गई हैं अब यहाँ पर हरेला पूजन के लिए। और ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से हरेला पूजा जा रहा है। ये देखिए अलग क्या होता है कि पहाड़ में एक दूसरे को हरेला पूजा जाता है। ये देखिए बड़े के द्वारा छोटे को, छोटे के द्वारा बड़े को, ये देखिए आशीर्वाद लिया जा रहा है। यहाँ पर हरेला पूजा जा रहा है बहुत बढ़िया तरीके से। ये देखिए, ये देखिए, ये भानु को बुला दो, ले चारे आज कर यहाँ की भी बना रहे हो। हाँ जी अच्छे कम से लाते हैं भानु, कोई नहीं लगा दो।
नदिया को हरेले पूछते हुए नाना जी भानु को बोला निहाल में भानु को सबसे बड़ी लड़की के सबसे छोटे लड़की को हरेला पूछते हैं। हां ये आ रहा समझ रहा है दादा जी मैं भी रखूं ये हमारे सबसे बड़ी बहन का सबसे छोटा लड़का रोहित दानी वो हरेले का प्रसाद वो भी इसकी मम्मी के लिए दिया जा रहा है। पालती मार बैठ रहे उधर को उधर भानु उधर को बैठ भानु भानु उधर को बैठ दो ये हमारे भुवन सनवाल जी हैं। ये देखिए ये पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से इनको यहाँ पर हरेला पूजन हो रहा है। देखिए आप ये देखिए अगले साल क्या पता दोनों को पूछना पड़े नानी के सिर में रख अभी देखिए हरेले के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारी मामी जी आ गई हैं। यहाँ पर इनको पहले टीका लगाया जा रहा है। ये देखिए ये टीका लग चुका है। ये देखिए बहुत बढ़िया तरीके से जो एक कुमाऊनी संस्कृति है आप उसको उसकी एक झलक देख रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए इसका भी एक नियम होता है इसको पूजने का। देख रहे हैं आप कैसे नियम विविध तरीके से इसको पूजा जा रहा है। देखिए पहले घुटनों से सीधा सिर पे ले जाते हुए यहाँ पर ये देखिए फिर जी अब हमारा हरेले का कार्यक्रम यही खत्म होता है। अब आप भी जाइए एक फैमिली फोटो अब नाश्ता कीजिए सब खाइए। हम भी खाना खाते हैं। हमने भी सुबह से कुछ नहीं खा रखा है। ओके बाय। आपको एक बार जाते जाते हम आपको बाहर का दृश्य दिखा देते हैं। ये देखिए आपसे फिर दोबारा आग्रह है हमारे इस गांव में प्यारे से गाँव में आइए। ये देखिए बाहर का नज़ारा देखिए आप बिल्कुल बहुत बढ़िया नज़ारा है यहाँ पर बाहर। ये देखिए ओके